नाम है निशांत और यूअर इंडियन व्यूअर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि सिंगापुर जाने के लिए सबसे सस्ते में फ्लाइट कैसे बुक करें और वहाँ पर रहने के लिए सस्ते में होटल कैसे बुक करें। चलिए तो फिर हम लोग इस बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि आप कौन सी डेट को सिंगापुर जा रहे हो, उसका आपको एक रफली आइडिया लेके आपको एक प्लान आउट करना है। तो आप उसी हिसाब से आप सस्ते में टिकट पाओगे, जितना आपका प्लान अप अच्छा रहेगा उतने आप सस्ते में टिकट पा सकते हो। जैसे मैंने कम से कम 6 महीने पहले टिकट बुक की है और वो 6 महीने टिकट बुक करने के पहले 3 महीने में कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहा था। तो कैसे मैंने ये सब किया इस बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको पसंद आए और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके वजह से आपका आपकी जो पिकनिक आप जो प्लान कर रहे हो, जो आपका फॉरेन का टूर है, वो सक्सेसफुली हो जाए इसी आशा करता हूँ। और आपको जो भी क्वेरी आए वो आप नीचे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख ही रहे हो और आगे भी लिख सकते हो, और इसकी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी लिख सकते हो। तो चलो हम लोग फिलहाल अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि आप सस्ते में फ्लाइट कैसे बुक करें। तो आप पहले तो प्लान आउट करेंगे, तो उसमें आपका जो सिंगापुर जाने के लिए आपका जो डेट है वो फिक्स करोगे। तो जैसे आपने वो प्लान फिक्स किया कि आपको पर्टिकुलर, समझो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आप 23 दिसंबर को जा रहे हो और आपको 29 या 31 तक आपका जैसे भी छुट्टी है, तो वैसे आप 7 डेज या 5 डेज के लिए सिंगापुर जा रहे हो, तो आप वो प्लान कर लोगे। तो उसके बाद आपको जैसे फ्लाइट आपको पता है कि आपको नाइट वाली फ्लाइट पकड़नी है या कौन सी पकड़नी है, तो कहाँ से ले ओवर डायरेक्ट वाली चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब बातें आती है। तो मैं तो आपको बताऊँगा कि जैसे मैंने किया था, आप पहले तो एक बात याद रखिए, और डिस्क्रिप्शन भी मैंने उसकी लिंक दी हुई है कि कौन सी वेबसाइट है, skyscanner.co.in करके एक वेबसाइट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। एक्चुअली ये साइड में है क्या कि आप जैसे उसको ओपन करोगे तो आपको एक पेज खुलता है, तो वो मैं आपको लैपटॉप के जब लेके जाऊंगा तब मैं आपको सब वो डेमो भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, आप करंट लोकेशन वहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद आपको डेस्टिनेशन डालना है, तो भी मैंने सिंगापुर डाला था। आपको अलग कोई जगह पे जानी है तो उसके लिए भी आप ये मेरी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो, कि समझो आपको मलेशिया जाना है, थाईलैंड जाना है, तो आप सिंगापुर की जगह पे वो डाल दीजिए और सर्च के जो आपको डेट है वो आप डेट फिक्स करके उसमें आप सर्च कर दीजिए। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो एक सर्कल घूमना चालू हो जाएगा, जैसे अपना इंडिया में तो 4G 5G लॉन्च हो रहा है, हुआ भी है फिर भी अपने पास वो पेज लोडिंग में एरर आते ही है, तो वो तो नॉर्मल बात है। फिर जैसे हम लोग उस पर करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम आपको शो करेगा कि ये वेबसाइट अपने जितने भी फ्लाइट बुकिंग के लिए, गो अभी बो या मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ऐसे बहुत सारे जो वेबसाइट है उनका डेटा फेच कर लेती है और उसमें से अपने को एक ऑप्शन चूज करके देती है कि सस्ते में कौन सी फ्लाइट है, ये दिन में आपको अवेलेबल है, रिटर्न में आपको कौन से अवेलेबल है, ये दो चीज़ें आपको वो दिखा देती है। और उसमें राइट हैंड साइड में और एक ऑप्शन है कि प्राइस अलर्ट। ये प्राइस अलर्ट क्या है कि अभी आपने समझो आज सब देख लिया पर आपको लगा कि यार ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आप सोचेंगे यार चल और 2-3 दिन रुक के देखता हूँ, या जैसे मैंने 3 महीना वेट किया था, 3 महीना, 1-2 दिन नहीं, पूरे 3 महीने वेट किए थे। तो चलो मैं, आप तो सोचेंगे यार 3 महीना कौन ये देखेगा, तो ये देखने की बात नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अलर्ट करके वहाँ पे जो है, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक नोटिफिकेशन बार खुलेगा। तो आपने जो प्लान आउट किया है कि मुझे 23 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक सिंगापुर में जाना है, तो वो आपको सब वहाँ पे शो करेगा और आपने जो आपका डेस्टिनेशन है और जो सोर्स है वो दोनों आपको दिखाएगा वहाँ पे। तो उसके नीचे आपको ईमेल आईडी डालना है, जैसे ही प्राइस डिक्रीज होती है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या इंक्रीज होते तभी भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि डिक्रीज होगा तो ही आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी होता है तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है। और जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप तो रेडी है, आपको जाना है, आपने डेट तो डिसाइड कर लिया, तो आप टिकट तो बुक करोगे। तो जैसे आप करोगे अलर्ट आ जाएगा, आप वेबसाइट ओपन करोगे, फिर आपको यहाँ पे शो करेगा कि ये फ्लाइट में ये दिन के लिए आपको ये प्राइस पे टिकट अवेलेबल है, तो आपको टिकट तो मिल गई, पता चल गया कौन से फ्लाइट में अवेलेबल है। तो उसके बाद आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको जो पसंद है और आपके पास जो कौन सा भी क्रेडिट कार्ड है या कौन से भी क्रेडिट कार्ड पे ऑफर है आपके, ये आपको पहले चेक करना है। वैसे तो मुझे आपको जो भी ऑफर्स है, जो भी है फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन, या कोई भी डिस्काउंट कोड चाहिए तो नीचे में मेरी वेबसाइट है yourcoupon.com, तो वहाँ पे भी आपको ये सब मिल जाएगा। तो फिलहाल आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे, समझो आपने एक पर्टिकुलर साइट पे
रात के, समझो मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपने 23 दिसंबर की नाइट को फ्लाइट 2:03 का ऐसा कुछ मॉर्निंग का जो मलेशियन एयरलाइंस का एक फ्लाइट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बुक किया था, तो वैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आपको नीचे सब बता देगा कि मेक माई ट्रिप पे इतना है, यात्रा पे इतना है, वो अभी वो पे इतना प्राइस है, तो आपको वो तो पता चल गया कि कौन से इसमें क्या है। तो आपके जितने भी वेबसाइट है वहाँ पे तो आपको अकाउंट होगा ही होगा, आप इतना टूर करने की प्लान कर रहे हो तो आपको ये सब वेबसाइट भी पता है और उसके ऊपर आपको पूरा डिटेल्स भी पता रहेगा। तो देखो जैसे मैंने बुक किया था, तो मैंने जब ये बुक की थी तब था मई की 3 तारीख थी जब मैंने टिकट बुक की थी, तो तब मेक माई ट्रिप पे ग्रेट इंडियन गेटवे करके एक सेल आता है जो ऐप पे भी रहता है और वेबसाइट पे भी रहता है, तो वहाँ पे आपके पास सिटी बैंक का कार्ड होना ज़रूरी है। तो सिटी बैंक का कार्ड रहेगा तो वहाँ पे आपको 50% ऑफ या 5,000 रुपीज कैश बैक। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने 2 होटल बुक किए थे अलग अलग कार्ड से, मेरे पास 2 सिटी बैंक के कार्ड है तो दोनों में मुझे 5,000 का कैश बैक आया था। सोचिए मुझे 5,000 का कैश बैक आया था, इसका मतलब 10,000 रुपये तो मुझे होटल से बुक करने पर ही रिफंड मिले हैं, ठीक है, वो भी मतलब 30 डेज या 60 डेज, मेरे 60 डेज का प्लान था तो उसके हिसाब से 60 डेज में मिले। तो अभी मैं आपको यही सब ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। तो जैसे प्राइस डाउन होती है तो आप आ जाओगे वो पोर्टल पे, आपको पता चल जाएगा, बस सिंपल प्राइस डाउन हो गए आप वेबसाइट पे जाओगे, पर वहाँ पे जाके आपको टिकट बुक नहीं करनी है, आपको उसी टाइम पे गूगल में सर्च करना है कि ये मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे और कोई कूपन कोड अप्लीकेबल है जिससे मैं प्राइस और डिक्रीज कर सकता हूँ, और गूगल में भी आपको नहीं मिलते तो आप मेरे साइट पे विजिट करें, कोई ना कोई कूपन कोड तो आपको मिल ही जाएगा, तो वो भी आप यूज़ करके आपका प्राइस रिडीम कर सकते हो। और जैसे आप करोगे तो आपके पास, लाइक अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ कि आपके सिटी बैंक का कार्ड है तो ऐप सिटी करके कोड आता है, वो तो हर 3 महीने में एक बार उनका ग्रेट इंडियन जो गेटवे सेल है वो तो आ ही जाता है, तो उसमें आपको बेनिफिट हो ही जाएगा। या गो अभी वो पे हर वेनसडे पे या थर्सडे पे अलग अलग बैंक के अलग अलग ऑफर्स रहते हैं तो वो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और वेनसडे में शायद से HDFC का पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ हर वेनसडे में वो मेक माई ट्रिप के साथ उनका टाइप है और आपको डिस्काउंट मिलना ही मिलना है उसमें, भले वो डिस्काउंट नहीं बोल सकते, कैशबैक के रूप में आता है, पर कोई ना कोई प्लान मिलता है, तो उस हिसाब से आप वहाँ से भी टिकट बुक कर सकते हैं। और दूसरी बात रह गई कि आप सोचेंगे कि यार ये टिकट मैं 6 महीने पहले बुक कर रहा हूँ उसके बाद प्राइस कम ज़्यादा होगी, तो वो तो अलग की बात है कम ज़्यादा होगी या नहीं होगी, पर जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप यहाँ से बुक करोगे ऐसा पूरा प्लान डिज़ाइन आउट करके, मैंने आपको बता दिया कि आपको मेक माई ट्रिप पे जो ऑफ़र है या गो एबीओ पे वो कैसे आपको लेनी है, तो वो हिसाब से आप तो उसको ले ही लोगे, और बाद में आपको फ़्लाइट बुक करते समय जो जैसे बताया वो तो है। अभी हम लोग चलते हैं होटल की तरफ, अभी होटल के लिए कौन सी साइट है ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीवी पे एक ऐसी सीरियल या एक ऐसी मैच नहीं जाती है कि जिसमें वो आदमी आपको आता है और बताता है कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ रहना है, ये देखना है। मैं वेबसाइट का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि मैं कौन सी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। वो भी आपको हेल्प करेगी कि आपको कौन से होटल कितने सस्ते में है, पर मैं उसी वेबसाइट से आपको बुक करने नहीं बोल रहा हूँ, आप उसी से आइडिया ले सकते हो कि आपको कौन सा होटल कितने में पड़ रहा है, क्या है, क्या कॉस्ट है आपके दिन में, वो सुटेबल है और आपके नियर बाय है, आप जो आपको जो जो उस दिन में प्लेस जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको प्लान आउट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे आपके हर एक सेकंड का वैल्यू है, क्योंकि आप सोचोगे अरे यार क्या है अपना इंडिया है, चलो 5 मिनट में आता हूँ बोल के आधा घंटे इधर ही हो रहे किधर, अरे बस ट्रैफिक में ऊपर, वहाँ पे ना ट्रैफिक है ना कुछ है, सब आपको सिंपल सिटी में है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको प्लान आउट आपका इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो हम लोग तो फ्लाइट के लिए तो बुक कर ही लेंगे जैसे मैंने बताया वैसे, अभी दूसरी बात आती है कि होटल कैसे बुक करें। तो होटल बुक करना है आपको तो वेबसाइट तो है ही, सेम जैसे मैंने बताया कि आपको कोड सर्च करने सब करने डेट वाइज। आप एक बात याद रखिए कि वहाँ पर सिंगापुर में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है कि आप स्ट्रीट फूड पे भी खा सकते हो, जो लिटिल, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लिटिल इंडिया में होटल लीजिए, मैं होटल के नाम नहीं बता रहा हूँ पर मैं जो खुद जो होटल में ठहरा था वो होटल का आपको डिटेल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में
कि ये होटल था इसमें था, तो यहाँ से मुझे क्या क्या नज़दीक था और कौन से मार्केट नियर बाय, तो आपको क्या आसानी होगी कि आपको वहाँ पे सम आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, आपको कहाँ पे कैसे जाना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको सिंगापुर में घूमने के लिए एक जो स्मार्ट कार्ड जैसा है वो भी नहीं बता रहा हूँ, वो आपको वीडियो अगले इसमें देखना है तो मैं उसके लिए आपको डिटेल में पूरा बताऊँगा, वो भी आपको वीडियो पूरा मिल जाएगा। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि देखो आप तो पूरा दिन वहाँ पे रहने वाले हैं नहीं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट वाला या 3 स्टार या 2 स्टार या 4 स्टार ये होटल बुक करिए, क्योंकि आप कंट्री देखने जा रहे हो, आप होटल में रहने के लिए नहीं जा रहे हो पहली बात तो। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप 3 स्टार या 4 स्टार ये होटल बुक करें, और वो भी ऐसे करें कि आपको जो आप लोकेशन उस दिन में आपको कवर अप करने हैं उसके नियर बाय या सेंटर में हो जाए, तो आपको आसानी होगी कि आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल भी ठीक से कर पाओगे और आपको पूरा जो आपका टाइम यूटिलाइजेशन है वो भी आपका सक्सेसफुल यूज हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अरे यार यहाँ से 2 घंटा ट्रैवल करके मुझे वहाँ जाना है फिर से 2 घंटे में रिटर्न आना, मतलब मेरे 4 घंटे तो ट्रैवलिंग में गए, बचा कुछ 8 घंटे में से जो भी घंटे आपके बचेंगे वो आप कहाँ पे यूज़ करोगे उसके टेंशन में रहोगे, तो वो नहीं करना है। जो नियर बाय है आपको आपके लोकेशन से वो आपको बुक करना है, और वो बुक करने के लिए भी आपको वेबसाइट है मेक माई ट्रिप में आप जाओगे। मैं तो रियली स्पीक कर रहा हूँ कि आप मेक माई ट्रिप पे भी जाइए और गो एबीबो पे भी जाइए, तभी बुक कीजिए जब सिटी बैंक का ग्रेट इंडियन गेटवे ऑफर आएगा तभी, क्योंकि तब मुझे 5,000 रुपीज पर होटल में कैशबैक मिला है, और वो मैं आपको प्रूफ नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ वो इमेज डाल रहा हूँ, और यहाँ पे भी थोड़ी जगह बच रही है मेरे वीडियो में दिख रही है, तो वहाँ पे मैं आपको चाहिए तो स्टिक करके बता देता हूँ कि यार ये देखो ये मेरा मोबाइल का स्क्रीनशॉट है कि मुझे 5,000 रुपीज उसी दिन स्टेटमेंट में दिख रहे हैं, तो वो याद रखिए। और बाकी तो आप तो पता ही है कि आपको फॉरेन में जाना है तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, और होटल तो वैसे आपको सस्ते में मिल ही जाएंगे, और तभी भी नहीं पता चलता है तो आप हमारे ग्रुप में या फेसबुक के पेज में आप लिख दीजिए कि मुझे ये डेट को सिंगापुर में जाना है, मेरा इतना बजट है, तो मैं कौन सा होटल बुक करूँ, तो मैं और मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी कि आपको कौन सा होटल आपके लिए सूटेबल है और आपका बजट इतना है तो आपको क्या बुक करना है, ये भी हम लोग आपको सब इसमें बता देंगे। जो भी क्वेश्चन आपको उसके बारे में है तो आप उसमें लिख सकते हैं या ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं, फेसबुक है और हम लोग की वेबसाइट है वो उसमें भी ऊपर आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ये सब का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है नीचे। चलो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया आपको समझ में आया हो, या नहीं भी आया हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, और आप मुझे कमेंट में चाहिए या किधर भी आप मुझे फीडबैक देके पूछ सकते हो कि यार निशांत ये तूने गलत बताया यार, हम लोग को कुछ समझा ही नहीं, और जो भी नहीं समझ में आता है वो मुझे बता दीजिए तो मैं आपको बात क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। हम लोग का तो मेन टॉपिक था कि सस्ते में फ़्लाइट कैसे बुक करें और रहने के लिए होटल कैसे बुक करें, तो हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि आपको कैसे करना है, और जो भी हेल्प चाहिए आप लिख सकते हैं, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। बोले क्या ये बार बार बता रहा है कि मुझे ये आपको ये करना है वो करना है, अरे भाई इंडिया है, इंडिया वाले लोग हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।